वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लासेस में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां उनके बारे में, हम विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति और जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति उनकी क्या क्या आर्थिक दृष्टि है, कितनी जनसंख्या है और कहाँ पे निवास करती है, और जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है ना, मतलब उसके जो धर्म है, परिवार है, क्या रहन सहन है, आपका राज्य की जो जो भूमि अंगद निर्माण कैसा, किसमें कौन सी जनजाति में कहाँ होते हैं, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। हाँ, मुझे याद है पिछले लेक्चर में मुझसे एक गलती हुई थी, तो उसकी माफी चाहता हूँ। मैंने बताया था कि जो जो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़े जनजाति है वो कौन कौन सी है, तो आपका विशेष पिछड़े जनजाति में जो 5 नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाते हैं, और जो 2 है ना वो आपके राज्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाते हैं। तो वो है सबसे पहले केंद्र शासन, केंद्र शासन द्वारा घोषित कौन कौन से जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये आपका अभुजमाणी, बैगा, बीरहोर, पहाड़ी, कोरवा और कमार है। तो मेरी सी गलती हो गई थी कि मैंने सातों को सातों केंद्र सरकार बोल दिया था, लेकिन नहीं, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। राज्य शासन द्वारा घोषित क्या है, एक पंडो और भुंजिया। ओके, तो आप लोग यहां तक बात समझ में, तो आगे बढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका केंद्र शासन द्वारा घोषित अभुजमाड़िया हो गया, ये आपका अभुजमाड़िया, ये आपका केंद्र शासन द्वारा ना विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति को ना विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम दर्ज है, जो अपने प्रेजिडेंट जो घोषित करते हैं ना कि हाँ ये जनजाति को हमें विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कमजोर जनजाति के जनजाति का दर्जा दिया गया। तो आप लोग को बात यहाँ समझ में आई। आपका फिर बिरहोर है, ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया। फिर आपका पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा भी आपका विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ओके, यहां तक समझ में आया। फिर आपका पांचवा है आपका कमार, कमार जनजाति को भी केंद्र शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। और उसके बाद आपका जो 2 जनजाति, आपका पंडो और भुंजिया, इसको ना हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ओके, आगे बढ़े। तो आगे हमें आपका जनगणना 2011 के अनुसार, आपका जो ये जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारी कुल जनजाति जनसंख्या यानी हमारे जो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति जनसंख्या है, तो आपका है 78.22 लाख। ये आप देख रहे हैं, आप 78.22 लाख कुल जनजाति की जनसंख्या, इसमें जो राज्य की कुल जनसंख्या यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, वो है आपका 33.62% है। और जो हमारे देश की एक बोल रहा है हमारे देश की कुल जनसंख्या का, हमारे देश की कुल जनसंख्या यानी जो हमारे, समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे भारत देश है ना उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जनजाति, तो है हमारा 6.2% है। ये देखिए 6.2। उसके बाद है जनसंख्या के आधार पर जो प्रदेश के स्थान है यानी जो हमारे बोलते हैं 1, 2, 3 जो जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का कौन सा नंबर के स्थान है, तो है आपका 7वां। ये जनसंख्या के आधार पर ना, जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 7वां नंबर पे। उसके बाद है जनजातियों में कुल साक्षर यानी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल साक्षरता कितनी है जनजातियों की ना, कुल मैं वो अदर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जनजातियों में कुल जनसंख्या की साक्षरता जनजातियों, तो ये 50.11% लोग ही जनजातियों में साक्षर हैं। उसके अलावा जनजातियों में कुल लिंगानुपात यानी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों में कुल लिंगानुपात कितना है, तो है आपका 1000 पुरुषों पे 1020 महिला है। समझिए इसको, 1000 पुरुषों पे 1020 महिला है। और जनजातियों में कुल लिंगा 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है, यह है आपका 1000 पे 992 यानी हम कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पे 992 महिलाएं हैं। ओके, उसके बाद आपका सामाजिक, जैसे हम किसी परिवार में रहते हैं या किसी कल्चर सब, तो हमारे एक सामाजिक कल्चर होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे त्यौहार होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, तो इन जनजातियों में भी जो सामाजिक और सांस्कृतिक है वो क्या क्या होती है, क्या विशेषता होती है, इन लोग अपना रहन सहन कैसे बिताते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, तो क्या क्या सांस्कृतिक विशेषता है आपका, जो धर्म, ये जो जनजाति है जो आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जो जनजातियां हैं उनका क्या धर्म होता है, ये बहुदेववाद होते हैं, ये आत्मावाद होते हैं, इन्हें बहुत देवताओं की पूजा करते हैं। आत्मा मतलब ये ऐसा
भगवानों की पूजा नहीं करते, ये जो मृत आत्माओं देवताओं ये सब की पूजा करते हैं। देवताओं समझ रहे ना, देवताओं आत्मावाद, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, आपका समझ में से बहुदेववाद, बहुदेववाद आत्मावाद। अब जो है आपका परिवार, परिवार कैसा होता है, इन लोगों का जो परिवारों का समूह कैसा होता है, परिवारों का समूह होता है आपका पितृसत्तात्मकता, यानी संतान पितृसत्तात्मकता होता है, पिता से चलते आती है। अब इन लोगों की आजीविका, जो इनकी आजीविका कैसे चलती है, अरे भाई कोई जनजाति है, कुछ तो जी अपने आप को मतलब इस पृथ्वी पे मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ काम धंधा करना ही पड़ता होगा, अपने पेट पालने के लिए कुछ कुछ व्यवसाय ऐसा कुछ करते नहीं है, तो ये जनजाति ना आजीविका कृषि करती है, आजीविका होती है इनकी, वो स्थानांतरित, ये अपना जीवन यापन स्थानांतरित कृषि कृषि करके करते हैं, यानी कृषि काम खेती काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद इनका गण चिन्ह होता है, गण चिन्ह यानी इनकी जातियों की एक चिन्ह होती है जिसे टोटम कहते हैं। उसके बाद है पारध, पारध क्या होता है, ये अपना जीवन जैसे कि कोई शिकार करके करके मांस मांस मतलब मांस का भक्षी करके मांस खाकर कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये शिकार है। उसके बाद है आपका समाज का स्वरूप, समाज का स्वरूप कैसा है आपका, समानता पर आधारित, समानता पर आधारित है। जन अब देखो छत्तीसगढ़ को ना क्या बोलते हैं, हम जनजातियों की भूमि कहते हैं, यानी छत्तीसगढ़ को जनजातियों की भूमि कहते हैं। जैसे कि बस्तर क्षेत्र है, आपको बस्तर क्षेत्र है ना पूरा ना आदिवासी जनजातियों की क्षेत्र है बस्तर क्षेत्र। और बस्तर क्षेत्र में आप लोग अंगादेव तो सुने होंगे, अंगादेव, अंगादेव का निर्माण क्या होता है, अंगादेव का निर्माण लकड़ी से होता है, काष्ठ है, और जो इसका निर्माण कौन करते हैं, ये मुड़िया जनजाति के जो वहाँ क्षेत्रीय लोग होते हैं वो अंगादेव का निर्माण करते हैं। अंगादेव एक होता है जो जो एकदम चारपाई रहता है जिसको चार लोग उठा के उसमें जो देवता समाता है, फिर वो यहाँ से देवी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करते हैं, तो अंगादेव कहलाता है। ओके अंगादेव का निर्माण। उसके राज्य की सबसे बड़ी बड़ी जन, अब ये राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी, तो गोंड जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ओके यहां तक आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे अरे एक तो एकदम इजी है काफी ना, राज्य की सबसे साक्षर जनजाति। अब राज्य की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी जनजाति है, आप सभी पता है उरांव जनजाति राज्य की सबसे साक्षर जनजाति, क्योंकि उरांव में जो ना शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है अन्य जातियों के अलावा। ओके आगे बढ़े। उसके बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति, ये बोल रहा है सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर सांस्कृतिक दृष्टि से, तो आपका है आपका मुड़िया जनजाति, आपका मुड़िया जनजाति ना सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति। आर्थिक दृष्टि से उच्च जनजाति यानी आर्थिक मतलब जो संपन्न मतलब जिसके पास कोई कमी ना हो, मतलब जिसके पास सारे सुख सुविधा हो, मतलब इन लोग अपने जीवन यापन अच्छी तरह से कोई चीज की कमी नहीं होती, तो आर्थिक दृष्टि से उच्च जनजाति आपका हलवा जनजाति, हलवा जाति। और जो बोल रहा है अब ये मोस्ट इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, ये आपका है बैगा जनजाति। आप कभी जब मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव मुंगेली कवर्धा गए होंगे, तो वहां जो पर्वत क्षेत्र से जब कबीरधाम जिले में जो बैगा आते हैं उनको कभी देखना, रियल बैगा वही है, उनके पूरे शरीर में गोदना गोदना गोदे होती है। आई सपोज मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा जनजाति, ये ना कवर्धा जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने जनजाति, अब देखिए ये गोदना गोदवाने वाली, ये गोदना प्रिय है ना, इन लोग गोदना प्रिय है, और ये गोदना गोदवाने वाली जो अपनी स्त्री में, ये कमार जनजाति है, ये आपका जनजाति आपका कमार जनजाति हो गया। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति, अब यहाँ पे फिर सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी जनजाति, ये आपका भतरा जनजाति, भतरा। उसके बाद गोदना गोदने वाली जो जो महिलाओं के शरीर में जो गोदना गोदते हैं, उन जाति कौन से जाति के लोग गोदते हैं, मतलब ये आपका कंडरा कंजरा ओझा ओझा जो गोड़ जाति समूह है। ये देखो ये कंजरा सॉरी कंजर हो गया, कंजर हो गया, बंजारा देवार ओझा गोड़, तो गोदना गोदने वाली जाति समूह है आपका कंजर, कंजर हो गया आपका, हो गया कंजर, फिर हो गया आपका बंजारा, फिर जो बंजारा जनजाति ना जो घुमंतु होती, कंजर बंजारा देवार जनजाति फिर ओझा गोड़, ये सब लोग ना गोदना गोदने का कार्य करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आए, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी पिछड़ी जनजाति है, आपका है आपका सर जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी, पहला है आपका अबुझमाड़िया, जो अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पर जाती है, अबुझमाड़ी क्षेत्र जो नारायणपुर
जिले में स्थित है, अबुझमाड़। ओके, ये अबुझमाड़ में क्या चेरापूंजी क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़, क्यों अबुझमाड़ एरिया में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? ओके, उसके बाद बैगा, बैगा जनजाति आपको कहाँ पाई जाती है? बैगा जनजाति आपका मैकल पर्वत श्रेणी यानी आपको कवर्धा राजनांदगांव एरिया में बैगा जनजाति पाई जाती है। तीसरा है आपका बिरहोर, बिरहोर जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? बिरहोर जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? आपका ये जो ये रायगढ़ सरगुजा इस तरफ बिरहोर जनजाति पाई जाती है, और कुछ बिलासपुर रायपुर यहाँ पे बिरहोर जनजाति पाई जाती है। उसके बाद आपका चौथा पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा आपको कहाँ रहती है? पहाड़ी कोरवा आपको पता है सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर जसपुर इन एरिया में, बिलासपुर ये आपका जो बिलासपुर में ना कोरवों का जो मतलब आपका जसपुर जैसे आपका कोरबा इन सब एरिया में पहाड़ी कोरवा पाया जाता है। ओके, कमार, कमार कहाँ पाया जाता है? कमार पाया जाता है आपका गरियाबंद जिला यानी धमतरी, धमतरी जिला गरियाबंद मैनपुर विकासखंड में कमार जनजाति निवास करती है। ओके, उसके बाद पंडो और भुजिया, ये राज्य शासन द्वारा ना मैंने पिछले वीडियो में गति करी थी, राज्य शासन द्वारा मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है वो वहाँ मतलब उनके द्वारा घोषित सबसे विशिष्ट पिछड़े थे पंडो और भुजिया, ये भी आपका गरियाबंद इलाके धमतरी के आसपास इलाके में पाए जाते हैं पंडो और भुजिया। ओके, नहीं पंडो सा पंडो ऊपरी भाग में पाया जाता है आपका सूरजपुर बलरामपुर वहाँ पंडो पाया जाता है। ओके, अब ये भुजिया जनजाति है जो आपका ना धमतरी गरियाबंद के आसपास पाया जाता है। ओके, आपको समझ गया जनगणना द्वारा कुल जनजाति जनसंख्या हमारी जो जनजातियों की संख्या 78.22 लाख है, राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशत 23.62% है, देश की कुल जनसंख्या प्रतिशत आपका 6.2%, जनसंख्या आधार पर प्रदेश का स्थान सातवां है, जनजातियों में कुल साक्षरता 50.11% है, और जनजातियों में कुल लिंगानुपात कितना है आपका 1,000 पुरुषों पे 1,020 महिलाएं हैं। ओके, और 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में आपका 1,000 पे 992 यानी जो 1,000 पुरुष है उसमें 992 महिलाएं। ओके, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, धर्म है आपका बहुदेववाद आत्मावाद, परिवार है आपका पितृसत्तात्मकता, आजीविका है आपका स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि ना जो जगह बदल बदल के खेती की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उसके बाद गढ़ चिन्ह है आपका टोटम, पारद है आपका शिकार यानी जो शिकार करते हैं शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं पारद। उसके बाद आपका समाज का स्वरूप, ये समाज का स्वरूप कैसा है? समानता पर यानी सभी लोग यहाँ समान रूप से एक एक जुटता में रहते हैं तो समानता समान रूप से होते हैं, समझ में आई आप लोग को बात। उसके बाद पता है जनजातियों की भूमि, जो बस्तर क्षेत्र है ना जो आपका दक्षिण बस्तर दंडकारण्य वो ना आपका जनजातियों की भूमि कहलाती है, यहाँ तक आपको बात समझ में। उसके बाद आप अंगादेव का निर्माण, अंगादेव का निर्माण कहाँ होता है? अंगादेव का निर्माण लकड़ी काष्ठ काष्ठ होता है, ये कहाँ बस्तर एरिया में होता है बस्तर क्षेत्र में, और जो इसका निर्माण करते हैं आपका मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ओके, उसके बाद आप राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है, गोंड तो राज्य की सबसे साक्षर जनजाति, राज्य की सबसे साक्षर जनजाति आपका उराव जनजाति, इनमें शिक्षा का स्तर अन्य जाति की अपेक्षा काफी ऊंचा है। ओके, समझ में आई? कोई दिक्कत प्लीज कमेंट। सर सांस्कृतिक दृष्टि से उच्च जनजाति सांस्कृतिक मुड़िया, मुड़िया जनजाति ना सांस्कृतिक दृष्टि से काफी संपन्न है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में आप दक्षिण बस्तर में जाइए बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा, यहाँ जो माड़िया जनजाति है जो मुड़िया जनजाति है ना इन्हें गौर नृत्य कहते हैं, जिसका जो बाइसन सिंहार दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया था, जो एरवल वेलियन है जो एक इंग्लिश लेखक है एरियर वेरियर एलविन ने इसे गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा जाता है। वाकई में बस्तर जो क्षेत्र है ना वो काफी सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है, इसलिए कहते हैं छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी डिफरेंट है। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आर्थिक दृष्टि से मतलब जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो उच्च जनजाति कौन सी? हरवा जनजाति। सर्वाधिक गोदना प्रिय जाति बैगा, और सर्वाधिक गोदना गोदवाली सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति? आपका कमार जनजाति। ओके, ये लिखा। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति क्या? आपका भद्रा जनजाति। गोदना गोदवाने वाली कौन कौन सी जाति है? आपका हो गया कंजरा हो गया, उसके बाद आपका हो गया कंजरा के बाद हो गया आपका बंजारा जो घूम के रहते हैं जो घूम करते हैं उनको बंजारा, उसके बाद देवार, उसके बाद ओझा गोण। ओके, तो ये सब
आज एक विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के बारे में एक वीडियो बनाया, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में से गलती हो गई थी, तो ये आप सुधार लेंगे। ओके, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अगर मैं कोई चीज गलती करूं तो उसको सही रूप से आप लोग के सामने स्पष्ट करूं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो ठीक है मैंने इसको सुधारा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं लोगों को गलत ना पढ़ाऊं, लेकिन आई सपोज कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, मैं मानता हूं यार कभी कभी हम जब वीडियो बनाते हैं काफी फास्ट निकलते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं हाँ दिमाग में आ रही है, हम देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सर हमने मुझे पढ़ाने से पहले एक बार इसको फिर से पढ़ना पड़ता है, लेकिन कई बार होता क्या जैसे कि मैं एकदम जल्दी फास्ट हाँ ये सब को मैंने एक मिस कर दिया, जब वीडियो देखते हैं तो हमको पता चलता है इसमें मिस्टेक है, लेकिन मैं अगले वीडियो में उस मिस्टेक को सुधारता हूँ। ओके, मैं आप लोग को यही बताना चाहता कि आप जब भी तैयारी करें तो अपना एक फ्लो चार्ट बनाया ये सब चीज का, जैसे कि मैं बताऊँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ मैप के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हाँ ये जनजाति यहाँ निवास करती, फिर भी अगर ऊपर नीचे से जाएंगे मुझसे कभी गलत हो गए, हाँ बीच में ये है जसपुर है नगेसिया है यहाँ पे बैगा है ये गया, तो मैंने मैप के साथ ऐसे पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बार अच्छे से हर चीज क्लियर होगा। मेरी एक सलाह मानिए, अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप जैसे कोई बुक पढ़ते हैं, मुझे पता है आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हो, एक तो आप हरिराम पटेल पढ़ेंगे, अर्जुना पढ़ेंगे, टुडेज की बुक पढ़ेंगे, ये तीन के अलावा आप कोई प्रीफर ही नहीं करेंगे, हो सके मैं पता है मुझे और कॉम्पिटिशन अकेडमी यानी हरिराम पटेल की बुक ही प्रीफर करेंगे, तो आप एक बार हरिराम पटेल की बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक बार वीडियो देख लीजिए, यकीन मानिए आपका दिमाग हर चीज क्लिक करेगा आपने जो भी पढ़ा है। और लास्ट में पढ़ने के बाद मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप लास्ट में ना क्वेश्चन जो पेपर है ना सॉल्व अनसॉल्व पेपर करिए, कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है क्या मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप में इवेल्युएट कीजिए, प्लीज डू करिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू।